गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज सेलवाज इन दमेजोन बेसिन अमेजोन बेसिन में जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास के नेम से भी कॉल किया जाता है Um, uh, in this, but in this video, we will read about the tropical deciduous and another type forest. The tropical deciduous forests are found in the monsoon regions where winters are cool and dry, and summers are hot with a distinct rainy season, brought on by the summer monsoon winds. ट्रॉपिकल डेशिडियस फॉरेस्ट जो है वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर मॉनसून रीजन होता है मीन्स जैसे कि हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है और ये जो हमारा एरिया है ये मॉनसून रीजन के रूप में जाना जाता है वेयर विंटर्स आर कूल जैसा कि हम देखते हैं हमारे यहाँ जो विंटर होती हैं वो कूल होती हैं एंड ड्राई विंटर जो है कूल और ड्राई होती हैं और समर जो है वो हॉट होत होती हैं बहुत ज्यादा एंड द विद डिस्टिंग रेनी सीजन और इसके आ, मतलब जो में, एक अनदर फीचर देखें तो इस मॉनसून रीजन का रेनी सीजन ब्रॉट ऑन बाय द समर मॉनसून विंड्स जो रेनी सीजन है वो मॉनसून विंडस के थ्रू यहाँ पर लाया जाता है द साल टीक सैंडलवुड एंड बेंबू आर कमर्शियली ट्रीज ये जो है साल टीक सैंडलवुड एंड बेंबू ये एक कमर्शली ट्रीज है डैशीडियस फॉरेस्ट के प्रॉफिटेबल ट्रीज विच ग्रो मेन इन द मानसून फॉरेस्ट ये कमर्शियली और प्रॉफिटेबल मतलब अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ट्रीज होते हैं ये डेसीडियस जो ट्रीज हैं जो कि मानसून फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया ये इस तरह के डशिडियस टाइप जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में सर्दर्न चाइना में एंड द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो वहां एंड द सेंट्रल अमेरिका एंड द ईस्टर्न ब्राजील एंड द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन सभी प्लेसेज पर जो है डेशीडियस टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट इन द टेम्परेट रिजन टेम्परेट जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्लोब के थ्रू कि जो टेम्परेट रीजन है टेम्परेट कौन सा जो हमारी ट्रॉपिक से ऊपर है ट्रॉपिक्स कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक नॉर्दर्न में अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वहां तक जो है जॉन ये हमारा टेम्परेट जॉन या टेम्परेट रीजन के रूप में हम जानते हैं अगर हम सदन में देखें तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से लेकर जो नीचे सिक्सटी सिक्स एंड हाफ जो साउथ में पड़ता है वो लेटीट्यूड वहां तक जो भी जोन है वो टेम्परेट सर्दर्न टेम्परेट जोन के रूप में हम उसको जानते हैं तो जो ये टेम्परेट रीजन है दीज एरियाज हैव माइल्ड विंटर एंड मॉडरेट रेनफॉल और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि यहां का टेम्परेट जोन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है माइल्ड मॉडरेट मीन्स मीडियम यहाँ का और इसीलिए यहां का जो एरिया है यहां की जो विंटर है वो भी माइल्ड होती है एंड द मॉडरेट रेनफॉल रेनफॉल भी यहां मीडियम होता है द ट्रीज शेड दियर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन और यहाँ की जो ट्रीज हैं वो ऑटम सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं दीज फॉरेस्ट आर ट्रेजर ट्रूस ऑफ ट्रीज शब्स एंड बुश यहाँ पर इन फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो पाए जाते हैं ट्रीज़ वो श्रब्स और बुशेज के रूप में पाए जाते हैं दीज द ट्रीज आर क्लोजली स्पेस्ड एंड देयर इज लेस अंडर ग्रोथ द यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो क्लोजली स्पेस में मतलब पास पास पाए जाते हैं एंड देयर इज़ लेस अंडर ग्रोथ और इनकी जो ग्रोथ होती है वो अंडर ग्रोथ मतलब अंदर की तरफ कम होती है द टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डेडियस एंड मेडिटेर इस टेम्परेट जोन के अंदर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसीडियस एंड मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वो तीनों ही टाइप्स की जो वेराइटी है हमें इस एरिया में देखने को मिलती है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अ मिक्स वेराइटी ऑफ ट्रीज विथ हार्डवुड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इनमें मिक्स वेराइटी मिलती है ट्रीज़ की जो कि हार्ड वुड वाली होती हैं द लो लाइंग हैव अ मिक्स वेराइटी ऑफ कॉनिफेरियस एंड डशीडियस ट्रीज और जो लो लाइंग एरिया होता है इस टेम्परेट जोन के अंदर वहाँ पर मिक्स वैरायटी मिलती है हमें एक तो कॉनिफेरस की मीन्स इस तरह की ये जो होती हैं कौन टाइप की ये कौन टाइप की जो शेप होती है फॉरेस्ट की इस तरह की हमें जो है शेप मिलती है इन ट्रीज़ की एंड द डिडियस टाइप जो फॉरेस्ट हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं वाइल द हाई लैंड हैव ओनली कॉनीफेयरस फॉरेस्ट और जो हाई लैंड होती है वहाँ पर सिर्फ हमें कॉनीफेयरस टाइप ट्रीज देखने को मिलते हैं द पाइन मलवेरी वर्टल ओक एंड यूकेलिप्टस आर सम ऑफ द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ ईस्ट अमेरिका उरेग्वे सदर्न चाइना ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ब्राजील एंड मैनी अदर प्लेसेज मतलब वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये साउथ ईस्ट अमेरिका ओरेगवे एंड द सदर्न चाइना ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ब्राजील और अन अदर प्लेसेज पर भी हमें देखने को ये मिलते हैं द कोस्ट विथ कूल क्लाइमेट and moderate rainfall favor the growth of temperate deciduous forest ab dekhiye yahan par jo coast coastal area hota hai is temperate zone ke andar coastal area kaun sa hota hai jo kisi sea ya river ke near ho the coast with cool climate jo coastal area hai wo cool climate ke sath और moderate वहां पर rainfall होता है जो कि किसको फेवर करता है किसकी growth को temperate deciduous forest को मतलब टेम्परेट एरिया में डेशिडियस टाइप फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं दे हैव रिच ग्रोथ ड्यूरिंग द समर सीजन और इन ट्रीज़ की जो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा समर सीजन में होती है द एल्म, पॉपलर ओक बीज ये जो है एटसेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डेशिडियस फॉरेस्ट आर द मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड फाउंडेयर ये uh, मोस्ट ऐसी स्पीशीज हैं जो ट्रीज की इस टेम्परेट डेडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी मेडिटेर फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं जहां पर मेडिटेर सी है अगर हम देखें अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर उसके नॉर्थ में उसके ऊपर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ हमें मेडिटेरियन सी मिलेगा तो जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं उन्हें मेडिटेरियन फॉरेस्ट कॉल किया जाता है दीज रीजन्स आर कैरेक्ट्राइज बाई विंटर रेनफॉल एंड ड्राई समर ये जो रीजन है किसके रूप में जानते हैं हम इसे यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होता है और जो समर है वो ड्राई होती हैं द ट्रीज है्रॉड लीवस एंड आर वाइडली स्पेस्ड और जो यहाँ की ट्रीज हैं उनकी लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होती हैं चौड़ी होती हैं एंड वाइडली स्पेस्ड और उनके में एक स्पेस वाइडली ज़्यादा स्पेस होता है दे आर नॉट थिक एंड टोल ना तो ज़्यादा ये मोटे होते हैं और ना ही ज़्यादा लंबे द ओक ऑलिव फिग फिर स्टोन जो टीज फाउंड इन दिसन मेडिटेर मेडिटेर इनमें जो फ्रूट या ट्रीज हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं दीज फोरेस्ट आर फाउंड इन स्पेन सदन सदन फ्रांस इटली पोर्टुगल टर्की अल्जीरिया मोरोको एक्सेट्रा इन सभी एरिया में मेडिटेरियन जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, वो पाए जाते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट द फॉरेस्ट इन द टैगा रीजन